हेलो स्टूडेंट, माइसेल्फ आनंद शंकर उपाध्याय और आपके सामने मैं आज केमिस्ट्री क्लास 9 का सेकेंड चैप्टर जो कि इज मैटर अराउंड अस प्योर है वो पढ़ाऊंगा। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मैटर क्या है। तो मैटर जैसे कि जानते हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड कैन बी परसीव बाय आवर सेंसेस इज नोन एज मैटर। अब इस टॉपिक का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो क्या मैटर जो हमारे चारों ओर है वो प्योर है या नहीं? जैसे हम लोग मार्केट से मिल्क लाते हैं, घी लाते हैं, नमक लाते हैं, सबके पैकेट में प्योर लिखा हुआ रहता है। तो क्या वो प्योर अगर हम बोल रहे हैं तो मैटर को हम प्योर बोल सकते हैं? उस तरह के मैटर को हम लोग प्योर बोल सकते हैं या नहीं? तो हम लोग कॉमन पीपल के लिए प्योर का मतलब होता है फ्री फ्रॉम एडल्ट्रेशन। हाँ, मिल्क में, घी में अगर कोई तरह का एडल्ट्रेशन नहीं है तो हम उसको जनरल टर्म में प्योर बोल सकते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ये जो प्योर वर्ड है उसको अलग तरह से डिफाइन करते हैं। तो प्योर मतलब होता है कि ऐसा मैटर या ऐसा सब्सटेंस जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना हो। एक ही तरह का पार्टिकल्स में एक ही तरह का एटम आ सकता है, एक ही तरह का मॉलिक्यूल आ सकता है। तो प्योर सब्सटेंस मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस विच आर मेड अप फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स में बी एटम्स और मॉलिक्यूल, उसको हम लोग प्योर कह सकते हैं। लेकिन घी हो गया और मिल्क हो गया और भी बहुत सारी चीज जो है उनमें से अलग अलग जो है अलग अलग तरह का कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं अलग अलग रेशियो में, तो उसे हम प्योर सब्सटेंस नहीं बोलेंगे। हाँ, वो जनरल में टर्म में फ्री फ्रॉम मतलब हुआ उसमें कोई तरह का मिलावट प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि मैटर को हम लोग किस तरह बांटे हैं। तो मैटर जैसे कि दो तरह बांट दिए, मैटर प्योर है और इम्प्योर भी है ना। अधिकतर जो मैटर हमारे चारों ओर है वो इम्प्योर है और कुछ ही मैटर जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है। तो प्योर सब्सटेंस में सिर्फ दो ही प्योर सब्सटेंस है, एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। और उस एलिमेंट को हम लोग तीन ग्रुप में फर्दर बांटे हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। फिर आ जाता है कंपाउंड। तो कंपाउंड को हम क्लासिफाई करते हैं एसिड, बेसिस और सॉल्ट में। और इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस मतलब हुआ कि सब्सटेंस जो एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल से मिलके बना हो। तो इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर बोल सकते हैं, उसको फिर हम होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर में बांटे हैं। तो प्योर मीन्स फ्री फ्रॉम एडल्ट्रेशन नहीं, प्योर मीन्स जो सिंगल तरह के पार्टिकल से मिलके बने हो। तो पूरे दुनिया में दो ही तरह का प्योर सब्सटेंस है, एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। हाँ, एलिमेंट में ढेर सारे फिर मैटर आते हैं, उसको हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर दिए हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड में। इस तरह कंपाउंड भी बहुत तरह के कंपाउंड है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के कंपाउंड है। तो कंपाउंड को हम लोग एसिड, बेसिस, सॉल्ट और भी फर्दर इसका क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम लोग प्योर सब्सटेंसेस से स्टार्ट करेंगे। तो ये आप नोट कर ले अपनी कॉपी में, फिर हम लोग प्योर सब्सटेंस देखते हैं।
आगे हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट को फर्दर हम लोग तीन ग्रुप में बांट दिए, क्योंकि एलिमेंट का नंबर 118 था और उसका हर एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी पढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, तो उसको हम सिमिलर प्रॉपर्टी के आधार पे उसको अरेंज किया और तीन ग्रुप में बांटे, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड। और इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है वो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 118, उसमें से अधिकतर मेटल्स है, 92 मेटल्स हैं, 20 नॉन मेटल्स हैं और 6 है मेटलॉइड। और ये मेटलॉइड 6 है तो हम आसानी से नाम याद कर सकते हैं, बोरोन, सिल्कन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलेरियम और पोलोनियम। और सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट इस अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है वो ऑक्सीजन है, फिर सिल्कन है, एल्युमिनियम है और यह आयरन है। यानी कि अगर हम बोले कि सबसे ज़्यादा अगर कोई मेटल्स पाया जाता है इस अर्थ क्रस्ट में तो वो होगा एल्युमिनियम, फर्स्ट नंबर पे एल्युमिनियम है और सेकेंड नंबर पे है आयरन। और इसी तरह नॉन मेटल में अगर बोला जाए तो नॉन मेटल में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन, यानी कि एलिमेंट में नंबर वन पे है, नॉन मेटल में भी नंबर वन है और मेटल में नंबर वन जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है एल्युमिनियम। और ये एलिमेंट जो है वो तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। सॉलिड जैसे कि कार्बन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिक्विड मरकरी हो गया Hg, ब्रोमीन हो गया, गैस गैस में हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ज़ेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। तो यानी कि एलिमेंट तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो एलिमेंट को हम लोग देखे यहाँ के तीन ग्रुप में बांटे हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। तो सबका प्रॉपर्टी, मेटल्स और नॉन मेटल्स का हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं, वैसे जूनियर क्लासेस में हम लोग देखे हैं तो सिर्फ एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। नेक्स्ट है हम लोग मेटल का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो मेटल का प्रॉपर्टी हम लोग पहले भी क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, उसको रिकैप कर लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, अधिकतर मेटल्स जो है वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में, एक्सेप्शन है मरकरी। दूसरा है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल जनरली हार्ड होते हैं लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़ दे बाकी सब मेटल जो है वो हार्ड होता है। सोडियम और पोटेशियम इतना सॉफ्ट होता है कि उसको हम लोग नाइफ से काट सकते हैं। फिर है मेटल्स आर मैलेबल, मतलब मेलेबल मतलब हम लोग उसको पीट पीट के सीड बना सकते हैं, मतलब थिन सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स को से हम लोग वायर ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो गोल्ड होता है वो सबसे ज्यादा मेलेबल और डक्टाइल होता है। नेक्स्ट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसीलिए हम उसको यूटेंसिल्स में इस्तेमाल करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होने के कारण। वायर्स फिटिंग्स में, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स वगैरह में, वायर्स वगैरह में अधिकतर हम लोग मेटल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। उसमें भी सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, और जो पुअरेस्ट कंडक्टर है मेटल का वो है मरकरी। नेक्स्ट है मेटल आर लस्टरस, तो हम लोग देखते हैं कि मेटल का शाइनिंग अपीयरेंस होता है, अगर नहीं भी है उसको पॉलिश कर दे तो उसमें शाइन आ जाता है। फिर है मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग, मेटल का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, बिना टूटे हुए ज्यादा लोड को वो सह सकता है। फिर है मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो कुछ मेटल को छोड़ के बाकी अधिकतर मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, जैसे कैल्शियम वगैरह हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। गैलियम को तो हाथ में रखने से वो मेल्ट कर जाएगा, बॉडी टेम्परेचर में मेल्ट कर जाता है। फिर है मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स का अधिकतर मेटल्स का जो डेंसिटी होता है वो ज्यादा होता है, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम ये सब पानी में फ्लोट करते हैं। फिर मेटल्स आर सोनरस, मतलब मेटल को अगर हम स्ट्रक करें तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, इसीलिए मेटल से हम लोग सितार, गिटार में जो स्ट्रिंग होता है अधिकतर मेटल का बना हुआ रहता है। फिर है मेटल्स यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर, तो मेटल का कलर या तो सिल्वर या तो ग्रे, एक्सेप्शन उसमें भी है जैसे कि कॉपर जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अब इसी से हम लोग नॉन मेटल को कंपेयर कर लेते हैं,
तो अगर हम नन मेटल देखें तो नन मेटल जो है सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। नन मेटल जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में पाया जाता है। जैसे नन मेटल में सॉलिड का एग्जांपल ले ले तो फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, और अगर हम लिक्विड में ले ले तो लिक्विड में सिर्फ एक मात्र है ब्रोमीन। गैस में टोटल 11 आते हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ज़ेनोन है, क्रिप्टन है, रेडोन है, ये सारे गैसियस नन मेटल है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग कंपेयर करते हैं कि मेटल्स बोलता है जनरली हार्ड है, लेकिन नन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन डायमंड जो कि कार्बन का फॉर्म है वो हार्ड सब्सटेंस होता है। फिर मेटल्स आर मेलेबल, मेटल्स आर डक्टाइल, लेकिन जो नन मेटल्स होते हैं वो ना ही मेलेबल होते हैं ना ही डक्टाइल है। अगर उसको हम लोग पीटेंगे, पीट के उसको अगर थिन शीट में कन्वर्ट करना चाहेंगे या वायर विड्रॉ करना चाहेंगे तो वो टूट जाएगा। तो यानी कि नन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल्स होते हैं। फिर है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो नन मेटल्स जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सिर्फ आयोडीन सॉरी सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ दे तब। ग्रेफाइट जो भी कार्बन का फॉर्म है और कार्बन जो है वो नन मेटल होता है, यानी कि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। मेटल और लस्टरस, नन मेटल का अपेयरेंस अधिकतर डल होता है, सिर्फ आयोडीन को छोड़ दे तो। फिर मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग, नन मेटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। फिर मेटल्स जनरली है हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, नन मेटल्स जो है उनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसमें भी एक्सेप्शन हो गया, डायमंड और ग्रेफाइट जो कि कार्बन का फॉर्म है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। फिर है मेटल्स है हाई डेंसिटी, तो नन मेटल्स जनरली है लो डेंसिटी, एक्सेप्शन हो जाएगा डायमंड जो उस जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। फिर मेटल्स आर सोनरस, नन मेटल्स सोनरस नहीं होते हैं। फिर मेटल्स आर यूजुअली सिल्वर और ग्रे कलर, नन मेटल अलग अलग कलर में पाए जाते हैं, जैसे कि ब्रोमीन हो गया रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, सल्फर येलो कलर का है, क्लोरीन येलो इज ग्रीन है, फास्फोरस वाइट है, तो अलग अलग कलर में पाए जाते हैं। तो आप भी कॉपी में इसके डिफरेंस को लिख सकते हैं मेटल और नन मेटल को, और आगे ये हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे मेटल नन मेटल हायर क्लासेस में। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो कंपाउंड स्टार्ट करेंगे, फिर मिक्सर स्टार्ट करेंगे, फिर आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आगे वीडियो देखने के लिए आप लगातार मेरा वीडियो देखते रहें, आपको नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो क्या आने वाला है। थैंक यू।